भवन जब बना, तीन इसकी जो फ्लोर्स बने हैं वो तब बने थे जब कोविड काल चला हुआ था, और कोविड काल के समय में किसकी सरकार प्रदेश के अंदर थी? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी थे, आपका मेयर शिमला का वो बीजेपी का था, डिप्टी मेयर बीजेपी का था, जो एमसी कमिश्नर उस समय है वो भी बीजेपी के समय सरकार ने ही अपॉइंट किया था, उनके समय में ये भवन बना। और आज उल्टा कोतवाल चोर जो है वो कोतवाल को डांटे वाली परिस्थिति बनी हुई है, तो इसके ऊपर लोगों को पता चलना चाहिए, सब चीजें पता चलनी चाहिए। आज अगर वो हम पे प्रश्न उठा रहे हैं तो उनको भी, उनकी भी जवाबदेही है। अगर इसको डिमोलिश भी करना है तो वो कानून के दायरे में रहकर होगा। वी आर नॉट लिविंग इन अ बनाना रिपब्लिक। तो जो निर्णय होगा वो बाकायदा ऑर्डर आएगा, उसके बाद सरकार अपनी कार्रवाई करेगी। जो भी एयरिंग ऑफिशियल्स है जिन्होंने इसमें कुछ गलत किया है उनके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई करवाई जाएगी, इसका मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। तो ये इशू हुआ कल रात की जांच का, अब वो तो खत्म हो गया, तो उसके क्या हुआ था? क्या रिपोर्ट निकली? चिट्ठी भी निकली जिनके ही ओपोजिट पार्टी के लिए परमिशन सोचते थे। देखिये, ये जो पूरा मसला था पिछले कल जो संजौली के अंदर एक प्रदर्शन हुआ, बड़े स्तर पर हुआ, और उसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, अस्पताल में हैं, और कुछ प्रदर्शनकारी भी उसमें घायल हुए हैं, वो भी उपचाराधीन हैं। हमने कल भी कहा था हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, मगर कानून अपनी प्रक्रिया को पूरा करेगी और कर रही है। सरकार जो है वो कानून के हिसाब से चलती है, और आज उसमें जो एक बड़ा डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि जो मस्जिद कमेटी है उनके ऑफिस बेयरर्स हैं, उनके नाम हैं मोहम्मद लतीफ जो इसके अध्यक्ष है, और शहजाद मौलवी जो वहां के मौलवी है, उनके साथ करीबन 18-19 लोग आज कमिश्नर से मिले हैं, एमसी कमिश्नर से, और उन्होंने कहा है कि कम्युनल हार्मनी को बनाए रखने के लिए हम यहां पर जो है वो इसको सील करने के लिए तैयार है। इसके लिए एक लिखित चिट्ठी उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर को दी है, उस पर म्युनिसिपल कमिश्नर कार्रवाई करेंगे, उसको सील किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी फैसला म्युनिसिपल कमिश्नर के कोर्ट में इसके अवैध और ना अवैध होने पे जो आएगा, अगर उसको डिमोलिश करने की बात कल आती है तो उसका भी वो सम्मान करेंगे। तो जैसे कि आधी चालू हुआ था जिन्होंने जो हिमाचल पीसफुल स्टेट बनाया उसका माहौल खराब करने की, उन पर कार्रवाई की जा रही है, पुलिस वाले काफी इंजर्ड? नहीं, निश्चित तौर से कानून अपनी कार्रवाई करेगी। ये जरूर है कि उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो जेन्युइनली वहां पर आए थे, मगर कुछ लोग वहां पर ऐसे भी थे जो राजनीति करने के लिए वहां पर आए थे और लोगों को उकसाने के लिए वहां पर आए थे। आज वो चीजें निकल कर आ रही है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये भवन जब बना, तीन इसकी जो फ्लोर्स बने हैं वो तब बने थे जब कोविड काल चला हुआ था, और कोविड काल के समय में किसकी सरकार प्रदेश के अंदर थी? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी थे, म्यूनिसिपल जो है आपका मेयर शिमला का वो बीजेपी का था, डिप्टी मेयर बीजेपी का था, जो एमसी कमिश्नर उस समय है वो भी बीजेपी के समय सरकार ने ही अपॉइंट किया था, उनकी समय में सब चीजें हुई, उनकी समय में ये भवन बना। और आज उल्टा कोतवाल चोर जो है वो कोतवाल को डांटे वाली परिस्थिति बनी हुई है, तो इसके ऊपर लोगों को पता चलना चाहिए, सब चीजें पता चलनी चाहिए। आज अगर वो हम पे प्रश्न उठा रहे हैं तो उनको भी, उनकी भी जवाबदेही है, और हमने ये कहा है कि जो भी कार्रवाई होगी वो कानून के दायरे में रहकर होगी। मैंने कल भी कई बार इस चीज को दोहराया और आज भी कह रहा हूं कि अगर इसको डिमोलिश भी करना है तो वो कानून के दायरे में रहकर होगा। वी आर नॉट लिविंग इन अ बनाना रिपब्लिक। तो जो निर्णय होगा वो बाकायदा ऑर्डर आएगा, उसके बाद सरकार अपनी कार्रवाई करेगी। नहीं, इस पर निश्चित तौर से सरकार इस चीज को देखेगी, किसने पैसा दिया, किसने इसके लिए परमिशन दी, अवैध परमिशन कैसे दी गई। कुछ इसमें अधिकारियों के नाम भी आ रहे हैं, कुछ जेई के नाम भी आ रहे हैं। अभी मैं किसी को सिंगल आउट नहीं करना चाहता हूं, इट डज नॉट लुक गुड, बट इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, और जो भी एयरिंग ऑफिशियल्स है जिन्होंने इसमें कुछ गलत किया है उनके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई करवाई जाएगी, इसका मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। तो काफी लीगल प्रॉपर्टीज हैं, कुछ ऐसा कानून बनाया जाए आगे फ्यूचर में, ये करेंगे, इसको भी हम पूरी मजबूती से प्रयास करेंगे।